तो स्वागत है आपका एक और व्लॉग में। और इस व्लॉग में आज मैं आपको घुमाने के लिए लेके आया हूँ पुराना किला, जिसे पांडवों का किला भी कहा जाता है। और इसको जो बनाया गया था, एक शहर था तीनपना शहर, उसको तोड़ करके बनाया गया था। तो ये शेरशाह सूरी के द्वारा इसका निर्माण किया गया था, तो इसको पांडवों का किला भी कहा जाता। तो चलिए दिखाता हूँ आपको पांडवों का किला, जिसे पुराना किला भी कहते हैं। तो देख सकते हो ये जो है इस टाइम स्क्रीन पे, ये है पुराना किला, जिसे पांडवों का किला भी कहा जाता है। ये उसका गेट है। और अभी अंदर की तरफ भी चलेंगे तो आप देख सकते हो इसके ऊपर बहुत ही विवादित चल रहे हैं अभी, तो अंदर की तरफ चलते हैं। अंदर घुसने के बाद सबसे पहले आपको ये गेट नज़र आएंगे, तो आप इसके गेटों की मजबूती देख सकते हो आज भी कितने ऊँचे और बड़े हैं। और आज भी इसमें वही मजबूती है जो राजा महाराजाओं के ज़माने में रहा करते थे। अंदर आने के बाद सबसे पहले आपको ये पार्क नज़र आएगा, बहुत बड़ा पार्क है। और ये पुराने किले के अंदर ही है, जिसे पांडव किला भी कहा जाता है। तो सबसे पहले आप साइड में देखोगे तो यहाँ पे बड़े बड़े कमरे आपको नज़र आएंगे, जो एकदम सारे तहस नहस हो चुके हैं। और दूसरी तरफ अगर आपको मैं लेके चलूँ तो इधर जो है वो पुराने किले का म्यूजियम है, यहाँ का टिकट अलग लगता है। तो आप देख सकते हो अभी चलेंगे और दूसरी तरफ भी। इसमें लेफ्ट साइड आने के पास आपको मिलेगा यहाँ पर म्यूजियम, तो ये पुरातत्व संग्रहालय आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम है जो पुराने किले के अंदर है। चलिए एक बार चलता हूँ लेके आपको आगे की तरफ। दोस्तों ये जो है सारा का सारा हिस्सा पुराने किले का है, और जहाँ तक भी देखोगे आप ये पूरा एक शहर हुआ करता था, तीनपना शहर। और आज इसको पुराने किले में उन्होंने तब्दील कर दिया था शेरशाह सूरी ने। और दूर दूर तक जहाँ तक भी आपको नज़र आएगा सिर्फ पुराना किला ही नज़र आएगा। इतना बड़ा किला है कि इसमें घूम के आप थक जाओगे। और इसको कपल पार्क भी बना दिया गया है, कपल जहाँ पर आते हैं घूमने के लिए। और चलिए एक जगह और लेके चलता हूँ आपसे इससे जुड़ी हुई। इस देख सकते हो ये है मेन पार्ट, ये पुराने किले का जो है मेन पार्ट है। सबसे ऊपर छोटा दरवाज़ा, उससे नीचे उससे बड़ा, उससे नीचे उससे बड़ा। तो आप ये हिस्सा देख सकते हो, ये वो था जहाँ से नीचे जा सकते थे, अगर कोई गाड़ी वगैरह होती थी वहाँ से प्लान से लाते थे, यहाँ से पैदल चला करते थे। चलिए नीचे की तरफ चलते हैं। नीचे आने के बाद आपको नज़र आएगा सामने वाला गेट, ये गेट जो है बंद कर दिया गया है, क्योंकि इसके पीछे जो है वह चिड़ियाघर, क्योंकि इस टाइम जो है पूरे दीनपना शहर को बांट दिया गया, आधा पुराने किले में बांट दिया गया, आधा जो है वो चिड़ियाघर में। इस गेट के पीछे चिड़ियाघर है, ये बंद कर दिया गया क्योंकि आधा उसमें चला गया, आधा इधर आ गया। तो ये नीचे का हिस्सा है, आप देख सकते हो आराम बने हुए हैं ये बड़े बड़े, और यहाँ पर रोका करते थे सैनिक वगैरह। तो फाइनली गाइस ये है पुराने किले का लास्ट सीन। और सीन में सबसे खास बात ये है कि जो आप बंद कर दिया गया है, ये रास्ता जाता है नीचे सुरंगों की तरफ। इसके नीचे इतनी सारी सुरंग है जो दूर दूर जाके निकलती है। आज इस रास्ते को बंद कर दिया गया है। और सामने आपको नजर आ रहा होगा नीचे कमरे हैं, और इन्हीं कमरों के अंदर से आपको रास्ते नजर आएंगे, लेकिन अभी फिलहाल इसको सरकार ने बंद कर दिया है। तो यहीं से ही चारों तरफ जो जाया करते थे राजा महाराजाओं के मुकबरे, यहीं से जाया करते थे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, अभी के लिए फिलहाल इतना ही। और हमारे चैनल